दोस्तों, हमारे आसपास और दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता, और ऐसी चीजों को देखने और उनके बारे में पता लगाने के लिए एक ऐसे डिवाइस का इन्वेंशन किया गया था जिससे कि बारीक से बारीक चीज भी देखी जा सके। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि इस डिवाइस को हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप के द्वारा हम किसी भी ऐसी चीज को देख सकते हैं जिसे हम अपनी नंगी आंखों से कभी नहीं देख सकते, और माइक्रोस्कोप के द्वारा दुनिया में मौजूद ऐसी कई चीजों को देखा गया है जो माइक्रोस्कोप में देखने के बाद अपने आप में ही अविश्वसनीय लगती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही हम देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कुछ ऐसी चीजें जिन्हें देखकर आप शायद अपनी आंखों पर यकीन न कर पाएंगे। इंजेक्शन एंटरिंग द ह्यूमन बॉडी। दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी तो इंजेक्शन का एक्सपीरियंस किया ही होगा जिसमें बारीक सी सुई में दवाई भरकर उसे हमारे शरीर के अंदर पहुंचाया जाता है। लेकिन जब इस छोटी सी बारीक सुई को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा गया तो ये देखने में बहुत ही ज्यादा बड़ी लग रही थी। और दोस्तों, जब इसे शरीर में डालकर बाहर निकाला जाता होगा तब हमारे शरीर का वो हिस्सा कैसे दिखाई देता होगा वो आप इस इमेज में देख सकते हैं। क्यों दोस्तों, इसे देखकर आप भी चौंक गए ना, ये देखने में कितने बड़े गड्ढे की तरह लग रहा है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ उतना ही हिस्सा है जितने में छोटी सी सुई को डाला जाता है जो कि नंगी आंखों से नजर भी नहीं आता। मोबाइल स्क्रीन। दोस्तों, मोबाइल तो हम सभी इस्तेमाल करते हैं और मोबाइल चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसकी स्क्रीन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर स्क्रीन को हम एकदम पास से देखने जाएंगे तो ये कैसी दिखेगी? यही पता लगाने के लिए मोबाइल को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया और उसकी स्क्रीन को माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा गया। तब नजर आया कि स्क्रीन छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई होती है और एक पूरी स्क्रीन कई हजारों पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है। इन हजारों हिस्सों से मिलकर एक इमेज तैयार होती है जो हमें फाइनली स्क्रीन पर नजर आती है। यानी कि मोबाइल की स्क्रीन को छोटे छोटे पार्टिकल्स से ही बनाया जाता है, और जब इसे और ज्यादा जूम करके देखा गया तब नजर आया कि ये पार्टिकल्स सिर्फ रेड, ग्रीन और ब्लू कलर से मिलकर ही बने होते हैं। दोस्तों, हैरान करने वाली बात है ना, हम जितने भी कलर्स अपने मोबाइल में देखते हैं वो सभी कलर्स इन तीन कलर से ही मिलकर बने होते हैं। बॉल पेन। दोस्तों, पेन का इस्तेमाल तो हर कोई करता है और सभी लोगों के लिए ये एकदम मामूली सी चीज है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेन असल में काम कैसे करता है, और जो पेन की बॉल होती है क्या आपने कभी उस पर ध्यान दिया? चलिए हम आपको दिखाते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से। दोस्तों, अगर पेन को आगे की तरफ से गौर से देखा जाए तो पेन के आगे एक बॉल निकली हुई होती है जिसकी मदद से लिखा जाता है। जब भी हम पेपर पर लिखते हैं तब ये बॉल लिखने के साथ साथ घूमती है जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इसे सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे जैसे पेन को आगे बढ़ाया जाता है वैसे वैसे इसकी बॉल भी घूमती है और इससे इंक छूटते हुए लिखती जाती है। दोस्तों, इसे देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि पेन इतना भी मामूली नहीं होता जितना इसे समझा जाता है। क्लॉथ्स। दोस्तों, अगर कपड़ों को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाए तो वो कैसे नजर आएंगे? चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं कि कपड़े माइक्रोस्कोप के अंदर कैसे दिखेंगे। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक छोटे से हाईटेक कैमरे को कपड़े के ऊपर रखकर जब उसे जूम किया गया तो इस तरह का व्यू नजर आया। कपड़े का एक एक रेशा अलग अलग दिख रहा था जो कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कपड़े पर बने सारे पैटर्न्स अलग अलग दिखने लगे। आपको बता दें कि कपड़ों के इन रेशों को हाईटेक कैमरा और माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है। इन्हें सामान्य आंखों से देख पाना नामुमकिन है। ह्यूमन स्किन। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे शरीर की। अगर हम अपने शरीर को माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे तो हमें अपनी स्किन पे बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स बने हुए दिखाई देंगे। साथ ही जब इसे और भी ज्यादा जूम करके देखा जाता है तब हमें अपने शरीर से निकलता हुआ पसीना भी साफ साफ नजर आता है। इसके अलावा अगर हमारे शरीर पर कुछ कीटाणु हैं तो वो भी हम माइक्रोस्कोप की मदद से साफ देख सकते हैं। पीकॉक फेदर्स। दोस्तों, मोर पंख तो आप सभी ने देखे होंगे। मोर पंख देखने में बहुत ही सुंदर नजर आते हैं। मोर पंख बहुत सारे कलर्स से मिलकर बने हुए होते हैं। लेकिन चलिए देखते हैं, जब इस मोर पंख को माइक्रोस्कोप से देखा गया तब ये कैसा नजर आया। माइक्रोस्कोप की मदद से जब इस मोर पंख को जूम करके देखा गया तब भी ये उतना ही सुंदर दिखा जितना बिना माइक्रोस्कोप के। दोस्तों, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि जूम किया हुआ मोर पंख भी उतना ही अच्छा लग रहा है जितना ये बिना माइक्रोस्कोप के लगता है। आप देख सकते हैं कि इस मोर पंख में कई सारे कलर्स नजर आ रहे हैं, साथ ही इसका पैटर्न कुछ इस तरह से दिख रहा है जैसे कि किसी ने अपने हाथों से बुना हो। हाथ में फंसा कांटा। दोस्तों, कभी आपके हाथों में कांटा फंसा हो
तब क्या आपने उसे माइक्रोस्कोप की मदद से देखा है कि वो कैसा दिखता है? चलिए आज आपको दिखाते हैं कि हाथ में फंसा कांटा माइक्रोस्कोप की मदद से कैसे दिखता है। जब माइक्रोस्कोप की मदद से जूम करके हाथ में फंसे कांटे को देखा जाता है, तब वो चोट कुछ इस तरह से दिखाई पड़ती है। आपको देखने में लग रहा होगा कि ये कोई बहुत बड़ी चोट है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये सिर्फ एक मामूली सी चोट है जिसमें हाथ में कांटा फंसा हुआ है। जब पतली सी सुई की मदद से इस कांटे को निकाला जाता है, तब ऊपर की स्किन को हटाना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऊपर की स्किन को निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि इसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, क्योंकि यह स्किन सिर्फ ऊपर से निकाली जाती है और कांटे को बाहर निकालने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखता है। बोन, दोस्तों हमारे शरीर में जो भी हड्डियां होती हैं वो काफी मजबूत होती हैं, लेकिन अगर आप उन्हें माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो आपको कुछ अजीब सी दिखेगी। अब आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से हड्डियों को जूम करके देखा जा रहा है और ये कुछ इस तरह दिखाई दे रही हैं। इसमें बीच बीच में छोटा छोटा गैप दिख रहा है और इसे देखने में ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत ज्यादा कमजोर हो, लेकिन असल में ये काफी मजबूत होती है। सैंड, दोस्तों क्या आपने कभी रेत को हाथ में लेकर देखा है? इसे हाथ में लेने पर ऐसा लगता है जैसे कि इसका एक एक कण अलग अलग हो और एहसास होता है कि इसका हर कण बराबर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दोस्तों जब माइक्रोस्कोप की मदद से रेत को देखा जाता है तो रेत कुछ इस तरह नजर आती है और इसको देखकर साफ पता चलता है कि उसका एक एक कण साइज में अलग होता है। शार्क स्किन, दोस्तों शार्क काफी खतरनाक फिश होती है, लेकिन जब हम शार्क की स्किन को देखते हैं तब हमें उसकी स्किन एकदम प्लेन दिखाई देती है, लेकिन जब इसकी स्किन को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाता है तो इसमें हमें कई नुकीले पैटर्न्स बने दिखाई देते हैं जो कि देखने में काफी अलग अलग होते हैं। ह्यूमन बियर्ड, दोस्तों आज के समय में अधिकांश पुरुष बियर्ड रखना पसंद करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने बियर्ड को किसी हाईटेक कैमरे से देखने की कोशिश की है? चलिए आपको दिखाते हैं बियर्ड हाईटेक कैमरे से कैसे दिखती है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कैसे दिख रही है। बियर्ड के बाल इस तरह से स्किन में धसे हुए हैं जिन्हें सिर्फ हाईटेक कैमरे या फिर माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, लेकिन 8 से 10 दिन बाद जब बियर्ड के बाल बड़े होने लगते हैं तो वो कुछ इस तरह से नजर आते हैं। कर्ड, दोस्तों ये बात तो शायद आप जानते ही होंगे कि दही बहुत सारे बैक्टीरियाज से मिलकर बना होता है और ये सभी बैक्टीरियाज ह्यूमन बॉडी के लिए काफी अच्छे होते हैं और इनसे हमारे शरीर को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। लेकिन क्या हो अगर इन्हें जूम करके देखा जाए? दोस्तों जब दही की एक बूंद को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया और इसे जूम करके देखा गया तो दही के अंदर से छोटे छोटे कई बैक्टीरियाज नजर आ रहे थे, लेकिन आपको फिर बता दें कि ये सभी बैक्टीरियाज इंसानी शरीर के लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं होते। वेलकारो, दोस्तों वेलकारो एक ऐसी चीज होती है जिसे चिपकाने और छुड़ाने में हमें काफी मजा आता है, लेकिन जब वेलकारो को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा गया तो हमें इसका असल मैकेनिज्म नजर आया। दरअसल दोस्तों वेलकारो के नीचे की तरफ काफी सारे हुक्स लगे होते हैं जिसके ऊपर की तरफ पतले से प्लास्टिक के रेशे होते हैं। जब इन्हें चिपकाया जाता है तो ज्यादातर प्लास्टिक के रेशे इन हुगों में लॉक हो जाते हैं और जब इन्हें छुड़ाया जाता है तो ये कुछ इस तरह से दिखते हैं जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो दोस्तों देखा आपने कैसे माइक्रोस्कोप से देखने के बाद ये आम सी नजर आने वाली चीजें भी अलग अलग रूप ले लेती हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।